हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लोडिंग लाफ। मैं हूं अवरेश श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं HD डुअल टोन एडिटिंग। हेलो, तो सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप की फ़ोटो खिंचवा लेनी है। आपके ऊपर जैसे शेडो पड़ रही हो लाइट की, जैसे इसमें पर्पल कलर की लाइट की शेडो पड़ रही है, इसको हम लोग पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे। अब हम लोग इसका यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ से टूल्स पे जा करके, फ्री क्रॉप पे जा करके हम अपने सिर्फ मॉडल को सेलेक्ट करेंगे। इसको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है इसलिए, और सबसे मेन काम फ़ोटो का यही है कि फ़ोटो का कटआउट निकालना। इसको आराम से टाइम से 10 मिनट तक आराम से करें, क्योंकि ये सबसे फोटो निकालने का अहम पार्ट है। बालों को आप कुछ इस टाइप में कर सकते हैं, आप अपने ब्रश का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा रियलिस्टिक फोटो का कटआउट आएगा और इससे फोटो आपकी फोटो बिल्कुल भी नकली नहीं लगेगी। ये देखिए, कुछ इस टाइप का आपको कटआउट मिल गया है अपनी फोटो का। इसको यहाँ से करेंगे सेव। ये सेव हो गया है। अब यहाँ से बैक में जा करके इसका हमको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। कुछ बैकग्राउंड हम लोग प्लेन बैकग्राउंड ही लेंगे सिर्फ, जैसे कि ग्रे हो गया। ग्रे इसलिए लेंगे क्योंकि ग्रे प्लेन बैकग्राउंड प्रोफेशनलिज्म का बैकग्राउंड कहलाया जाता है, तो इससे आपकी फ़ोटो थोड़ी प्रोफेशनल लुक में आ जाएगी। अब इसको आप लोग अपने साइज में सेट कर सकते हैं, जैसे 16.9। कलर चूज़ करके कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अब इसकी आउटलाइन काफ़ी शार्प लग रही है, उसके लिए भी एक तरीका है। एफएक्स में जा करके इसकी ब्लर पे जा करके, ब्लर इरेजर सेलेक्ट करके, इन्वर्ट करके इसके हल्का हल्का हमको किनारे किनारे मारना है, बहुत ही हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का मारेंगे ताकि जो शार्पनेस है वो थोड़ी कम हो जाए, कुछ इस तरीके से। इसको कॉपी करके फिर फिल्टर लगाएंगे, एक ICYI नाम का ये फिल्टर है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये पूरा रखते हैं। फिर अब फेस क्लीन करने की बारी। सबसे मेन काम इसका यही है, फेस क्लीनिंग। तो सबसे पहले स्मूथ करेंगे हम अपने फेस को। पिंपल्स भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए, पहले फेस कुछ ऐसा था, अब फेस कुछ इस तरीके का है। और फिर इसके बाद सेव कर लेंगे। सेव हमेशा ड्रॉ टूल पे जाकर जाने के बाद ही सेव करिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, इससे क्वालिटी बनी रहती है। हम लोग यहाँ से खोलेंगे लाइटरूम ऐप। ये आ गई हम लोग की फोटो। टूल को सेलेक्ट करके हम लोग ग्रेडिएंट मारेंगे। ये सिर्फ मॉड वर्जन में ही होता है, बाकी ओरिजिनल प्ले स्टोर वाले वर्जन में पेड होता है, मतलब पैसे देकर के इसको ख़रीदना पड़ता है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये लाइटरूम प्रीमियम। तो यहाँ से इसका सेलेक्ट कलर करके ऑरेंज रखेंगे हम लोग, सैचुरेशन हाई, और एक और मारेंगे इस साइड से ब्लू कलर का, जिससे आपकी फ़ोटो में डुअल टोन का इफ़ेक्ट आ जाएगा, कुछ इस तरीके से।
आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू लिया है, आप अपने हिसाब से पिंक पर्पल कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए पहले फ़ोटो कुछ इस तरीके से, बाकी ग्रेडियंट मारने के बाद फ़ोटो कुछ इस तरीके से हो गई है, बिफोर आफ्टर, और फिर शेयर पे जा कर के एक्सपोर्ट कर देना है। सेटिंग आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। देखिए कुछ डुअल टोन की फ़ोटो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ ही चुके हैं तो मुझे पता है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, जरूर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन भी दबाएं, और अगर आपको कोई दिक्कत हो फोटोग्राफी या एडिटिंग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यो पीस।